आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ ट्रेंड के बारे में जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो ना सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसे डाइटरी पैटर्न है जिसमें आपको स्पेसिफिक पीरियड्स में फास्टिंग और ईटिंग करना होता है। इसमें दो पॉपुलर मेथड हैं। फर्स्ट 16/8 मेथड। इसमें आप 16 घंटे फास्ट करते हैं और 8 घंटे खाना खाते हैं। नंबर 2 5:2 मेथड। इसमें आप हफ्ते के 5 दिन नॉर्मल खाते हैं और 2 दिन बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कैसे काम करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाउ डज इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क? जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका इंसुलिन लेवल गिरता है और बॉडी फैट स्टोर से एनर्जी निकालता है। इससे वेट लॉस होता है। फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन लेवल भी बढ़ता है जो मसल गेन और फैट लॉस में मददगार होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? नंबर 1 वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैलोरीज कम कंज्यूम होती है जो वेट लॉस में हेल्प करती है। नंबर 2 इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म। फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। नंबर 3 बेटर डाइजेशन। रेगुलर फास्टिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। नंबर 4 मेंटल क्लैरिटी। फास्टिंग के दौरान बॉडी कैटोन्स प्रोड्यूस करती है जो ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हैं और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं। लॉन्जिविटी। स्टडीज दिखाती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से लाइफ स्पैन बढ़ सकता है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। नंबर 1 धीरे शुरू करें। पहले 12 घंटे फास्ट करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। नंबर 2 हाइड्रेशन। पानी, चाय और कॉफ़ी बिना शुगर के पी सकते हैं फास्टिंग पीरियड में। नंबर 3 हेल्दी ईटिंग। ईटिंग विंडो में हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट का कंजप्शन करें। नंबर 4 कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है रिजल्ट पाने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे भूख और थकान। शुरू में भूख और थकान फील हो सकती है। ओवर ईटिंग। कभी कभी फास्टिंग के बाद ओवर ईटिंग का रिस्क होता है। नंबर 3 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर बैलेंस्ड डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इफ़ेक्टिव और नेचुरल वे है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, लेकिन इससे शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, स्पेशली अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप और किस हेल्थ टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।